हेलो हेलो शेख, मेरा सवाल था शेख। जी, बताइए जी। ये मेरी मम्मी या अम्मी बात कर रही है हाँ आपको। जी, हेलो, सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातु। कुछ भी नहीं शेख, वो मुझे बहुत वसवसे आते रहते हैं फ्यूचर के बारे में, जी पास्ट के बारे में सोचती हूँ, हर बार पास्ट सोचती रहती हूँ। क्योंकि मेरे शोहर की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं रहती है, अब फिर थोड़ा उनको इलाज के लिए बोला है डॉक्टर ने, वो ऐसा लग रहा है कि दिल को सुकून नहीं महसूस हो रहा है। जी वो कितना कोशिश कर रही हूँ नमाज कुरान में दिल लगाने की, फिर अचानक से दिमाग उधर ही चला जाता है, फिर टेंशन होते रहती है क्या होगा क्या होगा करके, दिल को सुकून नहीं महसूस हो रहा है शेख, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा बहन, ये बताएं कि आपके जो हस्बैंड की तबीयत खराब है, ये कितने टाइम से खराब है? ये इनको 2 साल से थोड़ा टाइम खराब है हजरत, आज फिर थोड़ा ठीक थी माशाल्लाह, 2 साल से तो ठीक था। उनका जो प्रोटीन उनका लीक हो रहा है किडनी से, वो अभी तो थोड़ा ठीक था उनका, अभी डॉक्टर ने बताया कि नहीं उनको फिर से इंजेक्शन देना पड़ेगा करके। इलाज तो हो रहा है डॉक्टर शेख उनका, लेकिन मुझे बहुत घबराहट से महसूस होती है, बहुत घबराहट होता है, आगे का फ्यूचर सोचती हूँ, बहुत बार पास्ट सोचते रहती हूँ, इनके अब्बा के साथ ऐसा हुआ, इनके साथ भी ऐसा हो रहा है, बहुत बहुत कुछ सोचे आते रहती है शेख। जी, सबसे पहले तो हम लोग अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह आपके हस्बैंड को शिफाए कामिला आजिल अता फरमाएं, मतलब जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए। तो सब दुआ करते हैं, सब लोग अल्लाह ताला से दुआ करें। और याद रखिए, जब लोग दुआ करते हैं किसी अपने भाई के लिए तो फरिश्ता आमीन कहता है और हमारे लिए भी वही खैर की दुआ हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी चीज़ बहन, आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ कि देखिए, ये जो 2 साल पहले हुआ, ये क्या ये पहले से फिक्स था? ज़रा सोच के बताइए। नहीं, ठीक है, देखिए क्या था ना, ये आसमान और ज़मीन जब बना तब पहली चीज़ अल्लाह ताला ने लिखी, बनाई कलम और उससे कहा उक्तुब, लिख। कलम ने कहा क्या लिखूं, तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो कुछ होने वाला है सब कुछ लिख दे। तो ये आसमान और ज़मीन के बनने के 50,000 साल पहले सबसे पहली चीज़ कलम बनाई गई, कलम ने ये लिखा। वो टाइम पे लिखा हुआ था कि फलां फलां साल में आपके हस्बैंड बीमार पड़ने वाले हैं और फलां फलां प्रॉब्लम आने वाला है, यानी पहले से लिखा हुआ है। अब आपके पूरे प्रॉब्लम का एक सलूशन है, एक सलूशन ये है कि आप अल्लाह पे छोड़ें, अल्लाह ताला पे छोड़ दें, अल्लाह है, अल्लाह आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। देखिए कैसा होता है ना, इंसानों को जब कहते हैं ना, मेरा ये काम मैं तुम पे छोड़ता हूँ, ये काम भी तुम पे छोड़ता हूँ, ये भी तुम पे छोड़ता हूँ, तो इंसान बोले अरे सब काम मुझ पे छोड़ रहे हो, परेशान हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हर का ऐसा बार है, सोचती हूँ शेख, सोचती हूँ नहीं, अल्लाह सब कुछ करेगा, अल्लाह हर हसबन, अल्लाह नीमल, अल्लाह हर चीज में कारसाज, अल्लाह काफी है, कारसाज हर चीज में है अल्लाह। फिर भी क्या होता है शेख, रमजान का महीना माशाल्लाह बहुत खुशी मनाती थी, बहुत अल्लाह का फजल हर चीज में करती थी, ऐसा हो रहा है कि दिल को कुछ भी सुकून नहीं लग रहा है, क्या करूं क्या करूं, ऐसा हो रहा है शेख। तो मैं आपको एक इबादत बता रहा हूँ, जैसे नमाज एक इबादत है ना, हम लोग जिस्म से पढ़ते हैं, हाँ ज़कात एक इबादत है, माल से करते हैं, ऐसे एक इबादत है दिल की, और वो है तवक्कुल, यानी कि छोड़ना अल्लाह पर। अल्लाह ताला को बहुत इंस पसंद है, और आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने कहा कि वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह पर छोड़ता है, फिर अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। देखो आप फिक्र करोगे हाँ, और जो काम होना है उतना ही होगा, लेकिन अगर उसकी जगह पर आपको जो करना है आप करो, जो स्टेप्स लेना है, जो दवाएं लेनी है वो लीजिए। जो जैसे नमाज पढ़ते हैं ना जिस्म से, ऐसे एक दिल की इबादत है कि कहो अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ दिया, अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ दिया। और अल्लाह ने क्या कहा, जो अल्लाह पे छोड़ देता है फहुआ हस्बुहू, फिर अल्लाह उसके लिए काफी है। अब अल्लाह इंतजाम करेगा, कैसे इंतजाम करेगा वो हमें अल्लाह को बताने की भी जरूरत नहीं है, हमें अल्लाह को हाँ डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, अल्लाह ये कर ले ये कर ले, अल्लाह जानता है, फत्ता है वो, फत्ता है यानी रास्ते खोलने वाला, शिफा देने वाला भी वही है, रास्ते खोलने वाला भी वही है। हाँ डॉक्टर कुछ भी बोले, डॉक्टर ने अच्छी बात बोली है, लेकिन अल्लाह ताला है असल में हर चीज को कंट्रोल हाँ करने वाला। तो आप क्या करिए, ये दिल की इबादत करिए। कौन सी इबादत, अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ दिया। हाँ आप कह दी अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ दिया, अल्लाह को बहुत पसंद है। इन अल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह
तवक्कुल करने वालों से तो मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता है। दूसरी चीज क्या करिए ना, जब शैतान कोई भी वसवसा डाले ना, तो सीधा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, उसके बारे में फिर से नहीं सोचना है। देखो आपको मैं बताता हूँ, आपका जो दिल है ना, कुछ ख्याल आपके दिल में आते हैं, लेकिन कुछ ख्याल है ना बाहर से आ रहे होते हैं, और हमें ऐसा लगता है मेरे खुद के ख्याल है, लेकिन बाहर से आ रहे होते हैं वसवसा। जैसे आपने स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम बोले ना वसवसा, तो जब वसवसा आए ना, तो पहले तो पहचानो बाहर से आ रहा है, और उसको औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम आपने अल्लाह पे छोड़ा ना, तो अल्लाह ही की पनाह मांगी शैतान मर्दूद से, और ये वसवसे को जरा भी सोची मत। देखो आपको मैं ना चाहता हूँ बहन, आप जरा एक ट्रेनिंग लीजिए। अच्छा, जैसे मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, अच्छा आप मुझे जवाब दो, मैं चाहता हूँ आप फर्क कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे आपको मैं पूछ रहा हूँ, आपके दिल में ख्याल आता है अरे दवा लेनी है, तो आप ये शैतान को औज़ु बिल्लाह, ये ख्याल को औज़ु बिल्लाह बोल के हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? अरे दवा लेनी है। सुनिए, गौर से सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको आपके जहन में आता है अरे दवा का टाइम हो गया है, हस्बैंड को दवा लेनी है, तो ये ख्याल पे आप औज़ु बिल्लाह बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। ये क्या है, प्रैक्टिकल तौर पे करने वाली चीज है। हा? हाँ। और एक है अरे अभी क्या होगा, जो लिखा हुआ है ना पहले से वही होगा। हाँ। ये ख्याल पे औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो आपको दोनों में फर्क करना है, यानी क्या है, जो आपकी ड्यूटी है कि दवा लो, हाँ। जरिए इख्तियार करो, हाँ वो सब कीजिए, एक बार हाँ। कर लिए आगे की फिक्र आप क्यों करते हो, अल्लाह पे छोड़ो ना, आप करोगे तो काम को अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है, उल्टा हाँ। कितना आपकी सेहत पे भी असर आ जाएगा। हाँ, तो आप क्या करिए, हाँ। आपके करने के स्टेप्स कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ये 5 काम मुझे करने कर लीजिए, हाँ। उसके बाद क्या करिए, औज़ु बिल्लाह शैतान जी बोल के सारे वसवसों को हटाइए, और खुद क्या करिए, अल्लाह मैंने तुझ पे छोड़ दिया। हाँ, ये ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे, खैर दोनों, जज़ाकअल्लाह खैर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें।